दोस्तों, वैसे तो आपने कई देशों के बारे में सुना होगा और आज हर एक देश विकास के पीछे भाग रहा है और आज हर देश किसी न किसी आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। भूटान के बारे में बात करने वाले हैं और आपको भूटान के कुछ ऐसे राज बताएंगे जिनसे शायद बहुत लोग अनजान हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। भूटान का आधिकारिक धर्म बौद्धान जीडीपी के मामले में सबसे गरीब देशों में आता है। भूटान का निर्यात बिजली है और वह भारत को अपनी बिजली बेचता है। इसके अलावा लकड़ी, हस्तशिल्प और सीमेंट जैसी ट्रैफिक लाइट न मिले तो ऐसा है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, उसकी जगह एक ट्रैफिक पुलिसमैन होता है जो ट्रैफिक को मैनेज करता है। आपको बता दें, भूटान के राजा किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से कम उम्र के हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है जो पहाड़ी भूमि पर स्थित है। भूटान एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें कई ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जिनमें से सबसे ऊंची चोटी कुलांगांगरी है जिस पर अभी तक कोई भी चढ़ नहीं पाया। आपको यह बात जानकर शायद अजीब लगी, यहाँ के लोग हमेशा जंगल को बढ़ाने की ही सोचते हैं। इनका यह मानना है कि पृथ्वी पर जंगल का होना बहुत जरूरी है। भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स भी कहा जाता है, वहीं इसको ड्रैक्यू नाम से भी जाने घर को ड्रैक्यूल कहते हैं, जिसका मतलब होता है बर्फीले ड्रैगन का घर। आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि यहाँ पर सन 1974 तक विदेशियों के घूमने पर पाबंदी थी। भूटान के पास अपनी सेना, भूटान के पास नौसेना भी नहीं है और आपको जानकर खुशी होगी ऐसी परिस्थिति में भारत ही इनकी रक्षा करता है। और अगर बात करें भूटान की आर्थिक स्थिति की तो भूटान का आर्थिक संकट, एक ऐसा अकेला देश है जिसने सन 2004 से तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और प्लास्टिक की थैलियों पर तो सन 1999 से ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके साथ ही यह माना जाता है कि भूटान मिले तो आप किस देश में घूमना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें।